उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विज्ञान ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही राज्य के सभी जनपदों में अलर्ट जारी हुआ है। इसके तहत ही मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है, लेकिन कल यानी मंगलवार को भावी राज्य के अधिकतर जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि भारी बारिश के साथ नदी नाले भी अपने उफान पर हो सकते हैं, इसलिए लोगों को विशेषता सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हालांकि 16 से 17 अगस्त को मौसम सामान्य हो जाएगा और कुछ जनपदों में हल्की से नॉर्मल बारिश भी हो सकती है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, 12 तारीख आज आपकी अगस्त की हो गई है और पास्ट 24 आवर्स में तो हमारे को अच्छी एक्टिविटी मिली है प्रदेश में, जिसमें कि जो है सामान्य रही है वो एक्टिविटी तो, और एक दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कि हैवी रेन, जैसे हरिद्वार है, इसी तरह टेहरी डिस्ट्रिक्ट है और इधर जो है कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है एक आधे स्टेशन में हैवी रेन्स भी मिली है। आज अगर देखते हैं तो आज भी हल्की से मध्यम बारिश तो सारे प्रदेश में रहेगी ज्यादातर जगहों में, और अगर भारी वर्षा की बात करें तो उसमें जो है चमोली है, बागेश्वर है, या इसी तरह देहरादून टेहरी है या हरिद्वार है, तो इनमें रखा गया है जो है, और जो इंटेंस स्पेल है या वेरी इंटेंस स्पेल तक की है तो वो हिल्स में और जगह भी उसकी संभावना बिल्कुल है। तो मैं कहूंगा कि नॉर्मल एक्टिविटी आज भी प्रदेश में वो रेनफॉल की मिलने वाली है। कल जब आप जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ेगी 13 तारीख को, तो 13 तारीख को आप देखेंगे कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर, इनमें भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, और जो बाकी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं जिसमें कि रुद्रप्रयाग है, टेहरी है, पौड़ी है, इधर देहरादून है या हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी वर्षा जो है इक्का दुक्का जगहों में इनमें भी भारी वर्षा रहेगी। कुमाऊं रीजन को और डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो नैनीताल में संभावना है कि वहां पे भी एक आधे स्टेशन भारी वर्षा उसमें आ सकती है, तो इस तरह की स्थिति है। तो कल जो है मैं कहूंगा कि मानसून थोड़ा एक्टिव रहेगा, खासकर गढ़वाल रीजन की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव मानसून वहां रहना चाहिए। कुमाऊं लोअर कुमाऊं रीजन में थोड़ी कम एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी जैसे नैनीताल मैंने बोला उसमें ठीक ठाक एक्टिविटी मिलेगी, एक आध हो सकता है वहां पर भी हैवी रेन तक जाएगी। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं 14, 15, 16 में तो थोड़ी एक्टिविटी कम तो हो रही है कल के कंपेरिजन में, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि सामान्य के आसपास जो बारिश है वो आगे भी मिलती रहेगी, और एक दुक्का डिस्ट्रिक्ट है जैसे देहरादून है या बागेश्वर है, नैनीताल है, तो इनमें संभावना कि एक आध स्टेशन जो है हैवी रेन्स को उसमें भी मिल जाएंगे 14, 15, 16 के कर बात करते हैं। तो इस तरह की स्थिति है, तो सामान्य बारिश तो मैं कहूंगा कि जो नॉर्मल रेन है, लाइट से मॉडरेट है ज्यादातर जगहों में, वो तो आपको 14, 15, 16 में ही मिलेगी।